चक्कर चल रहा है उस्ताद जी का, प्यार हो गया ना किसी के साथ तो लत कमला ही हो गया। अम्मी कह रही थी, क्या कह रही थी? शादी से डर नहीं लगता साहब, पेपरों से लगता है। काफ़ी टाइम बाद मैं हम टीवी के साथ काम कर रही हूँ और रमज़ान प्लेस में तो अक्सर मैं नज़र आती थी हम टीवी के। मैंने स्टार्ट ही अपने जो है करियर का जो किया था रमज़ान प्लेस से किया था हम टीवी के। सो ऑब्वियसली हमेशा बड़ा मज़ेदार होता है ये वाला सेट जो रमज़ान प्ले का होता है, क्योंकि वो ज़रा सीरियस काम से ज़रा सा डिफरेंट काम हम कर रहे होते हैं। सो बहुत मज़े का है ये मेरा कैरेक्टर भी और ओवरऑल प्रोजेक्ट सब लोग भी। अच्छा, दानिश नवाज के साथ मैंने बहुत टाइम पहले कुछ सीन्स किए थे हमने एक्चुअली, बट डायरेक्शन में एक शायद उनका एक प्ले था वो किया था मैंने, वो भी बहुत टाइम पहले। सो ऑब्वियसली टाइम गुजरता है तो हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। वो एज अ डायरेक्टर अब जो सामने आए हैं वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है मेरा। मैं थोड़ा सा ही अभी, हमने खैर शूट काफ़ी नहीं हुआ हमारा, थोड़ा सा ही अभी काम हुआ है मेरा। सो लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि वो इतना स्पेस देते हैं आपको काम करने का, आपको अपना कैरेक्टर बनाने के लिए, और इतना कंफर्टेबल है यहाँ का एनवायरनमेंट कि आपको पता नहीं लगता हम काम पे आए हुए हैं। जितनी भी सिचुएशंस हो, लाइक जितना भी हमारा लाइक सीरियस भी काम हम कर रहे होते हैं, इसके अंदर कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जिसमें वाकई हमें सीरियस होना है लेकिन हमें पता नहीं लगता कि ये काम जो है बस काम करने आए, हमें लगता है बस फ़न है, ये करना है और हम घर चले जाएंगे। सो इतना कंफर्टेबल उन्होंने हम लोगों को किया हुआ है सेट पे कि डेफिनेटली जब ख़त्म होगा सीरियल तो हम अगली सुबह को मैसेज करेंगे, कॉल टाइम बताएं आपका। अच्छा, इसमें जब मैंने ज्वाइन किया था इनको तो सब लोग जो है ना काम कर चुके थे थोड़ा सा एक दूसरे के साथ, तो सब एक दूसरे को जानते थे। जैसे इसमें उज़्मा जी हैं, अस्मा जी हैं, जो जो दादियाँ बनी हुई हैं हम दोनों की, उनकी तो एक अमेजिंग जो है ना केमिस्ट्री है आपस में भी, और ऑन द सेट उनकी इतना हंसी मजाक है कि आप सिर्फ उनको देखते रहते हो कि यार मतलब क्या हो रहा है, ये कितना मज़ा आ रहा है यहाँ सेट पर काम करने का। उसके अलावा इसमें अली सफ़ीना है, मानी है, मेरे साथ ओबी है, ओबी के साथ मैंने रमज़ान पे किया था एक हम का ही, बट अभी उसके साथ काम करना काफ़ी टाइम बाद मैं कर रही हूँ और इतना मज़ा आ रहा है मुझे। उसके मेरे सीन्स इतने अमेजिंग हुए हैं और हम मतलब वाकई मुझे लगता नहीं कि हम पहली दफ़ा इस तरह काम कर रहे हैं, हमें बहुत मज़ा आ रहा है उसके साथ, बहुत हार्ड वर्किंग है, बार बार सीन्स हम लोग कर रहे होते हैं तो कभी वो चिढ़ता नहीं है, कभी गुस्सा नहीं करता, और इतना, और भी जितने भी लोग हैं हमारे, मेरी बहन बनी हुई है, भाई बने हुए हैं, मेरी अम्मी बनी हुई हैं, फरहान सर हैं, वो लोग सब लोग इतने कोऑपरेटिव हैं, हमें वाकई लगता है जैसे हम लोग एक फैमिली हैं और हम काम करने आए हैं, हम घर में रह रहे हैं, एक्चुअली इस घर का हिस्सा हैं, तो सब एक दूसरे से बहुत खूबसूरती से जुड़ गए हैं। मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छे लाइक प्ले की जो है ना, मुझे लगता है एक पॉजिटिविटी होती है या एक सक्सेस होती है कि एक जो लोग काम कर रहे हैं वो वाकई खुद जुड़ जाएँ उस कहानी से, क्योंकि हम जुड़ेंगे तभी हमें देखने वाले जो हैं वो उस कहानी से जुड़ सकेंगे। अच्छा, मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम है मिनीहा, जिसको सब लोग मीनू कहते हैं और वो ख़ुद भी अपने आप को मीनू ही कहती है। एक बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है जो मैं कर रही हूँ, लोग शायद बहुत टाइम से लोगों ने मुझे इस तरह का कोई कैरेक्टर में देखा नहीं है, बहुत सीरियस प्ले जो बड़े उस तरह के कैरेक्टर्स मैंने किए हैं, ये बहुत चुलबुली सी है और बहुत शरारती है। जो उस्मान का कैरेक्टर है वो इसका कॉन्ट्रास्ट है, वो एक्चुअली बहुत पढ़ा लिखा सोबर सा और बहुत उस तरह का है, उसको उस तरह की लड़कियाँ भी पसंद हैं। सो मैं उसकी कज़न हूँ, बहन हूँ उसकी, जिसको मैं भाई बोलती हूँ, फाजी भाई है वो मेरा। सो वो मुझे पढ़ाता है ट्यूशन और मुझे पढ़ने का बिल्कुल शौक़ नहीं है, पढ़ाई से भागती हूँ, कहती है कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में किसी तरह मैं भाग जाऊँ पढ़ाई से। तो वो रिश्ता आता है कोई तो कहती है मुझे शादी कर दें ताकि मुझे पढ़ना नहीं पड़े, मुझे इंस्टीट्यूशन ना जाना पड़े पढ़ने के लिए। सो ये जो ओवरऑल कैरेक्टर है, फिर मेरी ओबी के साथ जो आगे सीन्स हैं, जो हमारी केमिस्ट्री है और हमारे बीच जो होता है लव हो जाते हैं, बहुत मज़े किया है हम लोगों के लिए भी, करते वक्त हम लोग हंसते थे, हम लोग को समझ नहीं आता तो यार ये क्या 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 सीन कर रहे हैं हम लोग, तो सारे सीन्स इतने मज़े के हैं कि एक एक सीन करने के बाद हम कहते हैं भाई मज़ा आ गया, बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आया। मुझे लगता है अगर मैं ये ड्रामा देखूँगी तो मैं इससे देखूँगी क्योंकि हम लोग अब देखते हैं कि हम लोग सब लोग जो है ना बहुत अलग अलग फैमिलीज़ में डिवाइड हो चुके हैं, ये एक फैमिली, एक घर, एक दूसरे के साथ रहना, कज़न्स की मोहब्बत, जो मैं अपनी अगर मैं देखूँ तो मैं फील करूँगी वो सारी चीज़ें कि मेरे कज़न्स जब मैं साथ रहती थी तो सब इर्द गिर्द मेरे सारे कज़न्स होते थे, दादा दादी नाना नानी, हम लोग इतनी बड़ी फैमिली माशाल्लाह रहती थी, ईद होती थी, हर चीज़ छोटी छोटी बातों पर जो है ना सब लोग जमा हो जाते थे।
तो वो छोटी छोटी सी चीज़ हम लोग जो है ना इसके अंदर प्ले में देखेंगे, वो मोहब्बत, वो नाराज़गियाँ, वो प्यार, एक दूसरे से शरारतें करना, लड़ना, छीन लेना चीज़ें, एक दूसरे की चीज़ें पहन के चले जाना, तो वो प्यार, मोहब्बत, वो रिश्ते, वो अपनाइयत आपकी, वो सारी बॉन्डिंग जो एक रिलेशनशिप्स में होनी चाहिए, फिर छोटी मतलब लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन फिर इन दी एंड आप सब लोग जुड़ जाते हैं, वही एक फैमिली होती है। तो आई थिंक ये बहुत इसके अंदर जब आप लोग देखेंगे इस कैरेक्टर को और बहुत इन्जॉय करेंगे, ये कोई सिंपल वाली कहानी नहीं है बहन भाइयों वाली, वो ये बहुत मज़े की है, हर एपिसोड जो उन्होंने लिखी है ना वो बहुत खूबसूरत लिखी है। किसी के साथ तो लत कमलाई हो गया। अम्मी कह रही थी शादी से डर नहीं लगता साहब, पेपरों से लगता है। मैं हानिया को जरा स्टडी और लॉन दिखा कर रहा हूं और ले गया लड़की को रेस्टोरेंट। लेट्स गो फॉर बनाना स्प्रिंग रोल्स, हां फीलिंग फ्रूटी। चिपक कर बैठ गया अपनी होने वाली दुल्हनिया के साथ। जूस मिल जाएगा? हां जूस।